आगे बढ़ते हैं और आज महासम्मेलन होना है कानपुर में, उसकी बात कर लेते हैं। आज से कानपुर शहर में पहली बार अखिल भारतीय महापौर परिषद की वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कानपुर महानगर में 112वीं महापौर सम्मेलन बैठक आज 13 और कल 14 मई को होने जा रही है। इस सम्मेलन को लेकर नगर निगम के प्रमिला सभागार को चमकाया जा रहा है और नगर निगम अपने मेहमानों को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस सम्मेलन में 35 शहरों के महापौर, जिसमें बरेली, लखनऊ, चंडीगढ़, गंगटोक, शिमोगा, अमृतसर, प्रयागराज शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे और सम्मेलन नगर निगम कार्यालय के पीछे बने सभागार में होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज से महापौर सम्मेलन होना है और इसी पर और डिटेल में बात कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथी रतीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। रतीश, ये महापौर सम्मेलन जो होना है, इसको लेकर कैसी तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं और कितने बजे से इस सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी? रतीश, बिल्कुल, देखिए पहली बार कानपुर शहर में हो रहा है अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन और प्रमिला सभागार के ठीक हम बाहर खड़े हैं, नगर निगम के बाहर हम खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें हैं प्रमिला सभागार के आसपास की और दुल्हन की तरह इसको सजाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जनपदों के, तमाम शहरों के जो मेयर हैं वो यहाँ पर आएंगे। आपको तस्वीरें दिखा दें, नगर निगम लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई के साथ साथ आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि प्रमिला सभागार है, यहाँ पर भव्य गेट बनाया गया है और गेट पर अखिल भारतीय महापौर परिषद की जो बैठक होनी है उसके लिए यहाँ पर आने वाले जो महानुभाव हैं उनका स्वागत करने की होर्डिंग लगी है। अंदर अगर लेकर के चलें तो ये वही सभागार है, प्रमिला सभागार, जहाँ पर आज 35 से ज़्यादा शहरों के, देश भर के विभिन्न शहरों के मेयर यहाँ पर पहुँचेंगे। अमृतसर के मेयर होंगे, चंडीगढ़ के मेयर होंगे, कर्नाटक के शिमोगा से मेयर होंगे, बेंगलोर के होंगे, तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मेयर यहाँ पर होंगे और ये सभागार है। यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। आज अगर बात की जाए तो 2 दिवसीय सम्मेलन है जो पहली बार कानपुर में हो रहा है। 112वीं बैठक है, वर्किंग कमेटी की ये बैठक है और यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि लगातार भूगर्भ जल का स्तर गिर रहा है। पानी के संचयन को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर के जो सुविधा होनी चाहिए या जो कार्य किए जाने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं और यही आज इस बैठक का बड़ा एजेंडा होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सम्मेलन की शुरुआत होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं जुड़ पाएंगे। और इसके बाद आज ये कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और समापन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। तो काफ़ी जो महानुभाव हैं, काफ़ी जो शहरों के मेयर हैं वो आज यहाँ पर पहुँचेंगे और इस बैठक में, इस बैठक के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तमाम शहरों के विकास को लेकर भी यहाँ पर बात होगी कि विकास शहरों का कैसा होना चाहिए, कि अनप्लान्ड सिटी बसाई गई हैं लेकिन जो प्लानिंग है अब कैसे बेहतर की जाए और शहरों को स्मार्ट शहरों में कैसे बदला जाए, इसकी भी बात की जाएगी। तो आज ये सब पूरा एजेंडा होगा और 13 और 14 मई यानी आज और कल फोकस रहेगा जल संरक्षण किस तरीके से किया जाए। पीएम को पहले यहीं पर पहुंचना था फिजिकल तौर पर, लेकिन अब नहीं पहुंच पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ही इसकी शुरुआत करेंगे और 35 शहरों के महापौर यहाँ पर पहुंचेंगे, ये जानकारी आपने दी। शुक्रिया रतीश आपका पूरी जानकारी के। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज सीएम वाराणसी आने वाले हैं, उनका 2 दिनों का काशी का दौरा रहेगा। वो यहाँ पर जंगम बाड़ी और डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ सीएम सर्किट हाउस और कमिश्नर के सभागार में अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर बैठक भी करेंगे। वहीं सीएम आज विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। आज सीएम काशी में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 2 दिनों का ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और वहीं पर रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं।